अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ रंगीन सेवैयाँ, और रंगीन सेवैयाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और ये स्वीट डिश है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत ही यम्मी होती है। तो मैंने रंगीन सेवैयाँ ली हैं 200 ग्राम, 200 ग्राम मैंने रंगीन सेवैयाँ ली हैं। हाफ कप मैंने लिया है ऑयल, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 3 अंडे लिए हैं, एग, 1 कप चीनी, 5 अदद इलायची, 1 कप घर की मलाई और 1 कप फ्रेश दूध, ठीक है। और यहाँ पर लिया है मैंने, लिया है कोकोनट और बादाम, इनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये भी गरी और बादाम है, इसको हम जो है जब हम लोग गार्निश करेंगे तो तब डालेंगे। चलें ठीक है, अब हम लोग बनाने लगते हैं। और हमारी ये जो रेसिपी है बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने एक पतीला लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और अब इलायची भी डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे इलायची को, और ब्राउन करेंगे लाइट लाइट सा, और खुशबू, जब तक खुशबू आएगी तब तक हम इसको ब्राउन करेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी, और चीनी डालने के फ़ौरन बाद में डालूंगी मलाई। ये देखिए मैंने मलाई डाल दी है। अब इसको हम लाइट सा मलाई को जो है ब्राउन भी करेंगे, और लगातार चम्मच ऐसे हिलाते रहेंगे, ठीक है। और माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है भाई, अभी से आ रही है। आँच दरमियानी रखेंगे। ये देखिए मुझे 1/2 मिनट हो चुका है बस। अब इसको ये चीनी पिघल रही है, और जिस टाइम ये चीनी हम हाथ लगाएंगे बिल्कुल पिघली हुई हो, तब चीनी के ज़रात ना हो उस टाइम पे हम इसको वो करेंगे, ठीक है। और ये मलाई जो है हमारा, ये अमेजा लाइट लाइट सा ब्राउन हो चुका होगा। ये देखें हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, और हमारा अमेजा जो है ये खोया टाइप हो चुका है और लाइट ब्राउन भी है। और अब हम इस टाइम पर हम इसके अंदर दूध डालेंगे 1 कप दूध लिया था मैंने, फ्रेश दूध, ठीक है। और 1 कप ये पानी भी डाल देंगे। इस टाइम पे हम सेवैयाँ डाल देंगे। सेवैयाँ डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, ताकि ये जो हमारी सेवैयाँ हैं वो अच्छे से गल जाए, ठीक है। मैं इसके अंदर 1/2 कप और पानी डाल रही हूँ ताकि मेरी सेवैयाँ बहुत अच्छे से गल जाए, ठीक है। अब 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखें मैंने आपको बोला था ना कि ये जो है खोया खोया टाइप हो जाएंगे, ये देखें खोया खोया टाइप हो चुके हैं, और माशाल्लाह गल भी चुके हैं ज़बरदस्त। बादाम एंड कोकोनट, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही यम्मी और डिलाइशी डिश है ये, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और बस एक दफ़ा जब कोई खा लेता है ना तो बस उसको बहुत ही पसंद आती है माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 अदद अंडे, जो कि मैंने इनको फेंट लिया था। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये अंडा है, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब आप बताएं हम इसको क्या नाम दें। नाम मैंने तो इसको दिया है खोया रंगीन सेवैयाँ, क्योंकि ये खोए वाली खोए टाइप हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये मेरी नानो और मेरी दादो दोनों की रेसिपी है। मिल्क पाउडर डालूँगी इस टाइम पर इसमें। मिल्क पाउडर मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए रख दिया है। माशाल्लाह बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की है। देखें ऑयल भी अलग हो चुका है, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़े की है। और आपको बताती चलूँ कि इसकी खुशबू भी मोहल्ले में फैल जाती है। चलिए अब ये रेडी हो चुकी है, मैं बंद करती हूँ। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी जो डिश है माशाल्लाह है। अब हम इस पर गार्निश करेंगे। गार्निश करेंगे पहले हम बादाम और कोकोनट की। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डिश है भाई, खुद भी खाएं अपने घर वालों को भी खिलाएं, बहुत ही मज़े की और यम्मी बनती है ये डिश, और सबके दिलों में घिर करने वाली डिश, सबके दिलों में घिर कर जाने वाली डिश। भाई स्वीट डिश का तो अपना अलग ही मज़ा होता है। स्वीट अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर। चलें जी हमारी डिश तैयार है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पहले हम टेस्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी स्वीट डिश कैसे बनी है, खोया रंगीन सेवैयाँ।
बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है भाई। ना ज़्यादा मीठा है और खोया इतना मज़े मज़े का, और इसके अंदर बादाम और कोकोनट और मिल्क पाउडर सबका मिक्सचर, बहुत ही यम्मी। चलें जी एक और चम्मच लेती हूँ आप लोगों के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़।